आगे बढ़ते हैं सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर इस वक्त अगस्ता बिल पर डिस्कस किया जा रहा है। पनामा में तमाम कंपनी बनाकर करीब 2 करोड़ कंपनी पनामा में बनाई गई और वो कंपनी में इस देश का काला धन उन कंपनी के माध्यम से पनामा में जमा किया गया। पनामा और इंडिया सरकार में ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के अनुसार जो कंपनी बनेगी उसका हेडक्वार्टर अगर इंडिया में होगा तो टैक्स इंडिया के हिसाब से पड़ेगा, अगर पनामा में होगा तो पनामा के हिसाब से पड़ेगा। उस हिसाब से तमाम पैसा कंपनी का हेडक्वार्टर पनामा में दिखाकर, और पनामा की सरकार ने एक और एक्ट बनाया, उनका एक अपना नियम है कि कंपनी का कौन ओनर होगा इसको वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। श्रीमान, बहुत रुपया हिंदुस्तान से गया, वहाँ पर टैक्स पे हुआ और टैक्स पेमेंट के बाद वो रुपया फॉरेन एफडीआई के नाम से हिंदुस्तान में फिर वापस आया। एक बहुत बड़ा 2 करोड़ कंपनी करीब बनी, एक बहुत बड़ा घोटाला। अगर 1 करोड़ रुपया हमने हिंदुस्तान में पनामा में भेज दिया तो वहाँ 5% टैक्स है, तो सिर्फ 5 लाख रुपये टैक्स दे के 95 लाख हमारा नंबर एक हो गया। यदि वही हिंदुस्तान में हम शो करते तो 30% टैक्स देना पड़ता, 30 लाख तो 70 ही रह जाता। रुपया हिंदुस्तान से गया, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। शिवन, लीक हुआ, सरकार के पास खबर भी आई, पूरे नाम सरकार के पास है, पूरा देश जानना चाहता आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का करीब 500 लिस्टों नाम आया। एक इतना बड़ा घोटाला, जो सरकार कहती है कि हम काला धन पर रोक लगाएंगे, जो सरकार काला धन के नाम पर चुनाव जीती लेकिन विदेश से एक पैसा काला धन नहीं लाया। मैंने इन्होंने काला धन के लिए एक नीति घोषित करी, मैंने एक दिन वित्त मंत्री जी से पूछा, वित्त मंत्री जी उस नीति के तहत कितना रुपया हिंदुस्तान में आया काला धन का वापसी, इन्होंने कहा जो धन काला वापस लाएंगे डिस्क्लोजर स्कूल इन्होंने दी वॉलंट्री, तो उसमें उन्होंने कहा इतने परसेंट हम टैक्स ले लेंगे। मात्र 5000 करोड़ रुपया आया, जबकि ये मानना है कि हिंदुस्तान में मौजूदा में जितना नंबर एक ही करेंसी है उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा काला धन विदेश का। आप एक पैसा काला धन विदेश का नहीं ले पाए, बल्कि आपने पनामा के माध्यम से, और पनामा नहीं और भी, मॉरिशस भी इसके लिए, पहले दुबई भी इसका बहुत बड़ा अड्डा था, सिंगापुर भी इसका बहुत बड़ा अड्डा था, वहाँ से गवर्नमेंट ने टीटी तोड़ी लेकिन अभी भी वहाँ टीटी रह गई। एक बहुत बड़ा रैकेट हुआ, तमाम पैसा हिंदुस्तान का काला धन सफ़ेद हुआ, आपकी शय में हुआ, आप